ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਅਖੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਅੱਖ ਮੱਚ ਪਿਆ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਕਾਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ बड़ी ठोकरे खाकर समझदार हुआ हूँ, अब दिल की बातों पर ध्यान नहीं देता। मुझे किसी की हार्ट बीट बनने की जरूरत नहीं है, मैं हार्ट अटैक देने वाला बंदा हूँ। मेरा ही नहीं कईयों का प्यार निकली वो, अजी मेरा ही नहीं कईयों का प्यार निकली वो, उसे खरीद कर भी क्या कर दे, कबाड़े से भी बेकार निकली। लड़की तो बाप की इज्जत का ख्याल करके कहीं और शादी कर लेती है, बर्बाद और बदनाम होना तो लौंडे की जिंदगी का चैप्टर है। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। समुंदर जैसा रुतबा रखो मुर्शिद, ये छोटी छोटी नदियाँ तुम्हें खुद मिलने हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अपना वो टाइम लाऊंगा कि सब नू कहेंगे कि 6 महीने पहले के था और 6 महीने बाद देख लो। गर्लफ्रेंड तो मैं ही बना लूं, पर वो क्या है ना, तुम्हारे भाई को नागिन पालने का शौक नहीं है। एटीट्यूड नहीं है दोस्त, पर हर किसी को इज्जत देना मैं जरूरी नहीं समझता। आज नजर पड़ी अचानक आईने में, ये शख्स वो नहीं जो कभी हुआ करता था। गौर से देख मेरी आंखों में, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता मैं। हम जैसों को मेहनत करनी पड़ती है राणा जी, सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। सब सस्ता लगेगा जब खुद की कीमत जानोगे, और अकेलापन तब तक चुभेगा जब तक खुद को नहीं पहचानोगे। खूबसूरती में लोंडी अच्छी लगती है, और लोंडे पावर में। क्या बोला था बे, नहीं कर पाएगा ये वो, टाइम बुरा था मेरे भाई, पर अब बुरे नहीं है दिन, और तू रोज प्रोफाइल तो ओपन करता ही है, साथ में ये भी गिन, 1 2 3 डन 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 बजा दे। देखो ना यार कितनी क्यूट हूँ मैं, सब मरते हैं मुझ पे, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? गलत फहमी दूर। जितने अकेले रहोगे उतने मजबूत होते जाओगे। तुझे क्या लगा था बर्बाद हो जाऊंगा तेरे बिन? अरे पगली, अब बैठकर मेरे फॉलोवर गिन। मुझे किसी ने बहुत पहले बोला था, कहते हैं कि पहला मौका किस्मत देती है पर दूसरा मौका मेहनत देती है, तो वो मेहनत कभी मत छोड़। इंतजार नहीं है अब किसी रानी का, अब हम बताएंगे रुतबा जवानी का। अभी तो बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, इंशाल्लाह उन्हें करके दिखाएंगे।
पड़ेगी मुझे मेरी मौत नहीं। और जो लोग बोलते ना कि लाला देखो दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, मेरी जान मुझे सस्ती चीजों का भी शौक नहीं। अभी बहुत लोगों तक पहुंचना है, बहुत सारा काम करना है। अभी तो होना है, मैं एक शेर कहा था कि हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूँ, मैं शौहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ निभाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। जितने भी ताने मिले जिंदगी में सबको ताला लगा कर रखा है, वक्त आने दो, इंटरेस्ट के साथ सबका हिसाब करूंगा। दिल दुखता है ना तो सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से दुखता है, वरना किसी ऐरे गहरे की औकात नहीं है कि दिल तोड़ दे हमारा। मैं खुद को उस मुकाम पे ले जाके मशहूर कर दूंगा कि लोग बदनाम तो करना चाहेंगे लेकिन ठीक से नहीं कर पाए। कबीर सिंह उसके लिए बना जाता है जब लड़की प्रीति जैसी हो, 36 जगह मुंह मारने वाली के लिए नहीं। चल हट निकल मेरी जिंदगी से, तेरी जैसी सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के क्या बनोगे जीवन में? पता है किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे ना तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझेंगे। वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ बदल ही नहीं रहा है। जिम का सफर भी इस अंधेरी रात की तरह है, और जब ये सफर आप काट लेते हैं तो कामयाबी इतनी रोशन होती है कि दूसरों की आंखों में चुभती है। गांव के बाढ़ के सर पर कोई क्राइम नहीं, और तेरी जैसी 36 घूमती है आसपास, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। हम लड़कियों के पीछे पागल नहीं है जनाब, हम तो जिम के पीछे पागल है।